आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर सिम भी बोल देते हैं। ये जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, ये क्या होती है और कौन कौन से स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होती है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो नेम है वो इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये कंप्यूटर से ऑपरेटेड होती है। मीन्स होल प्लांट, अगर हमारे पास कोई प्लांट है तो होल जो पूरा प्लांट होगा वो कंप्यूटर से ऑपरेटेड होगा। मीन्स कंप्यूटराइज चीज़ें होंगी उसमें, ऑटोमेटिक चीज़ें होंगी जो काम करेंगी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन पे। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाएं और हमें एक काम दें। जैसे 10 लोग मिलके एक टीम बनाएं और टीम बना के वो हमें कंबाइन एक प्रोडक्ट दें। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिलके कंबाइन होके काम करें, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि वो हमें कोई चीज़ बना के दें, मीन्स कोई चीज़ की प्रोडक्शन करके दें। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक पूरा प्लांट कंप्यूटर ऑपरेटेड होगा, सभी एलिमेंट उसमें काम करेंगे और प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं सिम। तो इसको हम दो डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे कि जो सिम है वो किस तरह से एक प्लांट के अंदर, एक तो टाइम कम लगता है प्रोडक्ट बनने में, एक्यूरेसी होती है और हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो सिम के थ्रू हम अपने प्लांट को एक ऑटोमेटेड और हाइयर प्रोडक्शन रेट पे कम टाइम में अच्छा हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इन दो डायग्राम्स के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम है, एक प्लांट है मान लीजिए हमारे पास, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी जो कंप्यूटर से ऑपरेटेड होंगी और किस तरह का लेआउट होगा उसका, तो वो इसके थ्रू हम थोड़ा समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा होता है डिज़ाइन का सेंटर, डिज़ाइन, जहाँ पे हमारा कैड सिस्टम यूज़ होता है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, कंप्यूटर की हेल्प से हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो डिज़ाइनिंग का होता है किसी भी प्लांट के अंदर, कि हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। और दूसरा हमारा ये होता है पूरा कंप्यूटर से ऑपरेटेड, एक कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सारे प्लांट के सिस्टम को मैनेज करता है। तो ये कैड जो है इससे अटैच होता है, मीन्स कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम से हर चीज़ अटैच होती है। तो सबसे पहले डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन अच्छी तरह से कैड के ऊपर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा, फिर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। डिज़ाइन होने के बाद उसका प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब उसका एक 3D प्रिंट लिया जाएगा, 3D प्रिंटर होते हैं, तो उसका एक मॉडल बनाया जाएगा प्रोटोटाइप, जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो ये भी हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट जो सिस्टम है उस ये उसको कंट्रोल रखता है। उसके बाद प्रोटोटाइप बनने के बाद वो जाता है प्रोडक्शन लाइन पे, जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन लाइन पे ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसको बताएगा कि प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और प्रोडक्शन के लिए ये तैयार है। तो उसकी प्रोडक्शन होगी, फिर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी, क्वालिटी की वो कैसा बन रहा है, अच्छा है प्रोडक्ट। फिर उसकी असेंबलिंग होगी जो रोबोट्स करेंगे, तो यहाँ पे पार्ट्स हैं जो जो बनेंगे, रोबोट्स उनको असेंबल करेंगे, जो रोबोटिक हमारी इसके अंदर यूज़ होगी। उसके बाद कन्वेयर सिस्टम है जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करेगी, इसको स्टोर तक पहुँचाएगी। यहाँ पे स्टोर होंगे, जितने मटेरियल स्टोर होगा वो भी कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम ध्यान रखेगा कि कितना स्टोर है और कितना बन चुका है। तो सारा कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ये कनेक्ट है। उसके बाद स्टोर से जितनी अनलोडिंग होगी जो हमने बाहर भेजनी है वो भी सारा कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम ध्यान रखेगा कि कितना स्टोर से गया है और कितना बचा है, कितने बिल पेंडिंग हैं, कितनी हमें पेमेंट करनी है। तो सारा कुछ ये कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम रखता है। तो मीन्स क्या है कि एक जो प्लांट है वो पूरा कंप्यूटर से ऑपरेटेड हो, कंप्यूटर के अंदर हमारी हर एक
जो इन्फॉर्मेशन है वो जाए, क्या आया क्या गया, कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ, डिज़ाइन प्रोटोटाइप, हर चीज़ की कॉस्ट, कितनी लेबर चाहिए, कितना टाइम लगेगा, तो हर चीज़ कंप्यूटर से कंट्रोल हो और कंप्यूटर के अंदर मैनेज हो, तो उसको हम बोलते हैं सिम। ये तो हमने समझा एक प्लांट के लेआउट के थ्रू, इसका ओवरव्यू लिया, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से काम करती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस यूज़ होती है वो कैड, जो फर्स्ट स्टेप है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसकी सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन मतलब स्क्रीन के ऊपर ही उसको टेस्ट करते हैं कि ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है ये अच्छा है, ये चल पाएगा या नहीं, इसके ऊपर क्या क्या स्ट्रेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं, किस तरह से ये वर्किंग करेगा। तो कैड के अंदर हम कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन मीन्स सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको बनाएंगे और उसको टेस्ट भी हम करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के बाद उसका बनता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप तो प्रोटोटाइप भी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है, मीन्स 3D प्रिंटर जो होते हैं वो प्रोटोटाइप को बनाते हैं। डिज़ाइन जो है वो हमारा जाता है प्रिंटर्स के पास, 3D प्रिंटर्स के पास, तो वहाँ से एक 3D मॉडल या प्रोटोटाइप हम बनाते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बनेगा। जैसे अगर मुझे एक मार्कर बनाना है तो उसका प्रोटोटाइप इस तरह का होगा कि हमें इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोटोटाइप तैयार होता है। तो प्रोटोटाइप बनने के बाद इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर के अंदर। कैलकुलेशन मतलब कि हमें कितनी लेबर चाहिए, कितना हमें मटेरियल चाहिए, कितना हमें इसके ऊपर टाइम लगेगा, कितना हमें स्टोर करना है, कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरी कैलकुलेशन हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता है। इसकी कैलकुलेशन होने के बाद इसका जाता है ऑर्डर, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। इसका ऑर्डर कंप्यूटर द्वारा मशीनों को दिया जाता है कि कितना ऑर्डर हमें बनाना है। तो कंप्यूटर से ऑर्डर आगे जाता है, ऑर्डर मीन्स कि हमें कितना बनाना है और कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना स्टोर करना है, कितने कम टाइम में बनाना है, तो ये ऑर्डर सारा कंप्यूटर मैनेजिंग होता है मशीनों को। तो ऑर्डर के बाद इसकी स्टार्ट हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है मीन्स उसका बनना स्टार्ट हो जाता है, बनता है वो प्रोडक्ट। और बनने के बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर कैम का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी कंप्यूटर ऑपरेटेड है। CNC का यूज़ करते हैं मशीन का, ये भी कंप्यूटर ऑपरेटेड है। तो मीन्स ये भी सारी जो प्रोसेसेस अब तक हमने देखी है कंप्यूटर ऑपरेटेड चल रही हैं, तो यहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोसेसेस हैं। कैम, CNC, ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्वालिटी टेस्टिंग होगी। क्वालिटी टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग के अंदर क्या होगा? क्वालिटी टेस्टिंग के अंदर इसकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा, वो भी जो हमारी मशीनें होंगी वो क्वालिटी को चेक करेंगी, रिपीटिंग टाइप में करेंगी, एक के बाद एक करती रहेंगी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्ट आगे जाएगा, और अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो यहाँ से दोबारा वो जाएगा इस मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएगा कि इसमें क्या कमी है, तो दोबारा से फिर क्वालिटी टेस्टिंग होगी और वो प्रोडक्ट आगे जाएगा। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद जब हमने काफ़ी प्रोडक्ट बना लिए तो हम उनकी असेंबलिंग करते हैं। तो असेंबलिंग किससे होती है? रोबोट से। यहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटेड या ऑटोमेटिक रोबोट्स हम कह सकते हैं कि जो रोबोट्स हैं वो पार्ट्स की असेंबलिंग करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो ये भी कंप्यूटर ऑपरेटेड है कि हम उनकी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग करने के बाद जो कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी भी फिर क्वालिटी टेस्टिंग होगी दोबारा से। अगर उसकी क्वालिटी ठीक है तो प्रोडक्ट आगे जाएगा, नहीं तो फिर से वो असेंबली प्रोसेस के पास आएगा और दोबारा से उसकी असेंबली को ठीक किया जाएगा। फिर क्वालिटी टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट जाएगा आगे। कहाँ पे जाएगा क्वालिटी टेस्टिंग के बाद, क्योंकि हमने असेंबलिंग भी कर ली, फिर वो जाएगा स्टोर में। स्टोर में जाएगा, स्टोर के अंदर उसको स्टोर किया जाएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है जस्ट इन टाइम के लिए, मीन्स उस टाइम कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ एक प्रोडक्ट ही हम फालतू रखते हैं स्टोर में, ज़्यादा नहीं, तो स्टोर के अंदर उसको स्टोर किया जाएगा। तो स्टोर के लिए भी क्या होगी,
कन्वेयर्स होंगी या इस तरह की हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन्स होंगी, कन्वेयर होंगी, ट्रक्स होंगे जो कि इसको स्टोर तक पहुंचाएंगी, कन्वेयर्स या ऑटोमेटिक जो हमारी मशीनरी है तो स्टोर तक वो उसको पहुंचाएंगी। तो स्टोर के बाद क्या होगा, फाइनल जो जितना प्रोडक्ट हमने स्टोर कर लिया तो उसके बाद जो कंप्यूटर है वो बिल्स को अपडेट करेगा, अकाउंट को अपडेट करेगा कि कितने प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं, कितने हमें भेजने हैं और कितने हमें किस किस की पेमेंट करनी है, तो कंप्यूटर सारा पेमेंट करेगा। तो इस तरह से होल प्रोसेस जो है एक तरह से चलती है और मैनेज रखता है कंप्यूटर सारी प्रोसेस को। ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेबर कम लगती है, टाइम कम लगता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से करते हैं। तो ये थी सिम, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।